श्रावण मास का चौथा व अंतिम सोमवार होने के कारण आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन हेतु श्रद्धालु देर रात से कतार में नजर आए। तड़के 2:30 बजे महाकाल मंदिर के पट खोले गए, फिर बाबा महाकाल की भस्म आरती शुरू हुई, जिसमें कवि कुमार विश्वास के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। श्रावण के अंतिम सोमवार के दिन महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पहले बाबा को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद व फलों के रसों से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और भगवान को वस्त्र धारण कराए गए। तत्पश्चात बाबा को भस्म चढ़ाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ मंजीरे, ढोल नगाड़े व शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। भक्त आज के दिन का विशेष इंतजार करते हैं, इसलिए आज महाकाल के दरबार में सुबह से ही उत्साह और आनंद का माहौल देखने को मिला। आज हम सावन के चौथे सोमवार में सावन दर्शन करने आए हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही भीड़ थी, बट तभी दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। उनका शिवलिंग देख के, मतलब उनकी लाल आंखें देख के, तो मतलब अभी भी वो चित, मतलब फोटो हमारे दिमाग से जा ही नहीं रही है। मतलब उनकी जो रूप आरती के टाइम जो उनका वो आया, मतलब जो उनका रूप आया, आंखें लाल एकदम, वो अभी तक मेरी आंखों से मतलब वो बस गई हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पे। मेरा नाम प्राणी श्रीवास्तव, मैं नोएडा से हूँ। श्रावण माह के अंतिम सोमवार को कवि कुमार विश्वास सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन को अपना सौभाग्य बताया। श्रावण सोमवार जो है वो चौथा सोमवार है, और विशेष तौर पर चार सोमवार इस मास में, इस महीने में आए हैं, आज उसका अंतिम सोमवार है, और इस कारण से विशेष तौर पर भगवान महाकालेश्वर की पूजा अर्चना भस्म आरती में की गई। भस्म आरती भी दिव्यता से, भगवान की जो परंपरा है उसी परंपरा अनुसार भस्म आरती संपन्न हुई। भक्तों ने उसका दर्शन लाभ लिया। आज उत्साह अधिक है, क्योंकि ये श्रावण मास आज अंतिम माना एक तरह से है। वैसे रक्षाबंधन के दिन ही श्रावण का समापन है, लेकिन सोमवार का समापन आज हो रहा है। इस कारण से भक्तों में विशेष उत्साह और उमंग का है। भगवान के महाकाल के श्रावण सोमवार की चौथी सवारी है। इसमें चार मुखारविंद निकलेंगे, और पहली पालकी होगी, दूसरे गरुड़ जी होंगे, तीसरे नंदी होंगे, और चौथे हाथी पर भगवान विराजित रहेंगे। ये सभी मुखारविंद भगवान महाकालेश्वर के स्वरूप ही हैं, जिन्हें शहर के अंदर जब ले जाया जाता है दर्शन के लिए, तो ये भ्रमण करते हैं। राजा महाकाल के प्रजा होने के साथ साथ जो प्रजा है, ये भी जो भगवान के स्वरूप में जो प्रतिमा निकलती है, ये भी उन्हीं के अंश और प्रजा के रूप में साथ में निकलते हैं और भक्तों को दर्शन। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह माना जाता है। मान्यता है कि श्रावण माह में शिव आराधना करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। यही वजह है कि श्रावण माह के अंतिम सोमवार को देश भर के शिवालयों में भक्तों का तांता देखने को मिला। उज्जैन से विमल बेंडवाल की रिपोर्ट।